नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सहायक कुल सचिव का एग्जाम है उसमें टॉपिक 4P है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें जो कंट्रोल है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल कंट्रोल, तीन टाइप का कंट्रोल दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आज के टॉपिक में हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसा कि सिलेबस में दिया है, तीन टाइप का है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो कितनी मेथड से हो सकता है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि विधि के द्वारा कंट्रोल, विधि के द्वारा नियंत्रण। तो इसकी जो टूल्स हैं वो है क्वेश्चन रेजोल्यूशन, मींस क्वेश्चंस जो होते हैं एमपी जितने होते हैं, वो जब संसद लगती है तो उसमें उनको क्वेश्चन पूछने का हक है, तो उस क्वेश्चन के द्वारा आप कर सकते हो। जीरो और डिस्कशन, वो हम डिस्कस करेंगे कि जीरो और होता है एक संसद में, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। एडजोरमेंट मोशन, एडजोरमेंट मोशन होता है वोट ऑफ सेंस्योर, अविश्वास पत्र जिसको मत बोलते हैं। देन काफ़ी सारी कमेटी हैं, बजट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस्टीमेट कमेटी, कॉमन कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और कमेटी ऑफ एश्योरेंस। तो ये सब कमेटी हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड फॉर ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसमें जो है सबसे आईएमपी है क्वेश्चंस, जीरो और एडजोरमेंट मोशन, वोट्स ऑफ सेंस्योर। सो ये हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन आवर, जिस सपोज संसद का कोई सत्र चालू हो रहा है, संसद का कोई सत्र चालू हो रहा है, तो जो पहला आपका जो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री डे इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चंस विच प्रोवाइड एन इफेक्टिव फोरम ऑफ कंट्रोल। ऑन एवरेज सम 30 क्वेश्चंस आर टोटली आस्क एंड आंसर डेली। कोई भी संसद का सत्र चल रहा है उसके हर पार्लियामेंट्री डे में जो पहला घंटा है, सपोज 11 बजे 10 बजे अगर संसद शुरू हुई तो 10 से 11 का जो टाइम है वो हर एक एमपी को मौका दिया जाता है कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो दिस इज अनदर वेरी गुड मीन्स टूल फॉर कंट्रोल। लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के बाद उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द मिनिस्टर एंड डू ऑफन कैच ऑफ हिज बैलेंस, मींस कि क्वेश्चन की पूरी डिस्कशन होके उसके जो संबंधित मिनिस्टर्स हैं उसको बोला जाता है कि यू हैव टू फॉलो अप। देन जीरो आवर डिस्कशन, तो जीरो आवर डिस्कशन का जो ये है इनोवेशन या आप इसका प्रचलन कह लो, वो संसदीय प्रथाओं में भारत के क्षेत्र, भारत का नवाचार इसको कहा जाता है। मीन्स भारत में ये सबसे पहले प्रथा चालू हुई कि संसद की जो प्रैक्टिस है, संसद का जो सेशन है उसमें एक और रखा जाएगा जहाँ हम जीरो और डिस्कशन करेंगे। जीरो और डिस्कशन को जो है वो सबसे पहले भारत ने लॉन्च किया और ये 1962 में हुआ। मीन्स ये क्या होता है, ये एक जैसे भी आपका संसद चल रही है इन द हाउस, पार्लियामेंट्री हाउस में इमीडिएट आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स जो एक घंटा रहेगा उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और जब तक कि संसद का एजेंडा पे डिस्कस करना स्टार्ट ना हो, मीन्स संसद कैसी, संसद जैसे 10 बजे से चालू हुई तो 11 बजे तक क्वेश्चन आर चला, सॉरी 10 बजे से चालू हुई, 11 बजे तक क्वेश्चन आर चला। उसके बाद क्या होगा कि जो 11 से
12 का जो 1 घंटा है इसको 0 आवर कर देंगे। 12 बजे के बाद जो उस दिन का एजेंडा होगा, जो मेन एजेंडा होगा, उस पर बहस स्टार्ट होगी। तो जो 11 से 12 के बीच है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि संसद के सदस्य, जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो संसद का मेन सभापति होता है, उसकी अनुमति के अधीन ये उठा सकते हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हो, भले ही उसका उन्हें उस जो एजेंडा में शामिल ना हो, बट उनकी नज़र में अगर लग रहा है कि हाँ आज ये क्वेश्चन हम उठा सकते हैं, तो वो प्रोसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेके उठा, जैसे कोई रेप केस है या कोई अभी जो कोई बाल अपराध हुआ है, तो उस टाइम भले उसको एजेंडा में नहीं डाला गया है, बट उसको इमीडिएटली उठा के सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइम से 0 आवर में ऐसे कई सारे मसले डिस्कस किए जाते हैं, जो सांसद समझता है कि ये पब्लिक के लिए आज इसका डिस्कशन होना जरूरी है। मींस एडजोर्नमेंट डिबेट। एडजोर्नमेंट डिबेट एक तरीका से इसका उपयोग तत्काल प्रकृति और सार्वजनिक महत्व के किसी भी विशिष्ट प्रश्न पर संसद में चर्चा बढ़ाने के लिए किया जाता है। मींस जो इमीडिएट कोई एक चीज हो गई है देश में, है ना, या किसी संसदीय एरिया में इमीडिएट कोई ऐसा चीज हो गया है, तो उसको, और वो सार्वजनिक महत्व की है, तो उस पर बहस करने के लिए ये एडजोर्नमेंट डिबेट किए जाते हैं। और अगर जो अध्यक्ष है वो उस पर परमिशन दे दे, तो इसमें तुरंत उस पर बहस होगी। और इस बहस के लिए जो दिन भर का एजेंडा है उसको निरस्त भी किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा वो ऐसा मामला है जो जिस पे बहस होना या जिस पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, देश हित में है, तो और मामले को परे रख के उस पर डिस्कशन किया जाता है। सो इट्स कम अंडर द एडजोर्नमेंट डिबेट। अगला है सेंस्योर वोटिंग, या इसको नॉन कॉन्फिडेंस वोटिंग मोशन भी कहा जाता है, सेंस्योर मोशन भी कहा जाता है। मीन्स ये एक गवर्नमेंट को गिरा देता है, अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पर, मीन्स अगर आपके जो विपक्षी दल हैं या जो गवर्नमेंट के खुद ही जो हैं वो अपना विश्वास नहीं दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसको रिजिग्नेशन देनी पड़ती है। डेबिट ऑन रिजिग्नेशन, जो बहुत सारी रीडिंग्स, वेरियस रीडिंग्स ऑफ विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिटिसाइज द एंटायर पॉलिसी अंडरलाइंग द बिल, मीन्स जो बहुत सारे मसूदे बिल हैं जो पारित होना है, तो उस पे संसद के जो जो हैं जो सदस्य हैं, वो जितने भी पॉलिसी हैं, जो बिल हैं, मसूदे हैं, उन पे ओपन डिस्कशन, उसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और जे जो क्रिटिसिज्म होगा कि वो गवर्नमेंट को इसको चेंज करने के लिए भी मन भी बना लेती है। सो इसके अलावा हम थोड़ा सा कमिटियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी कमेटी बनती हैं, जिसमें मेजर है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक जैसे कैग है, जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, जो हमारे पूरे ऑडिट करता है वित्तीय ढांचे को, ऐसे ही पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये भी जितना भी जो स्पेंड हुआ है बजट का उसका ऑडिट करता है। एक इस्टीमेट कमेटी है, जो हमारे जितना भी खर्चा है उसका इस्टीमेट बना के गवर्नमेंट के सामने पेश करती है। इसके अलावा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड कमेटी ऑन एश्योरेंस है। दीज आर ऑल्सो टूल्स दैट हेल्प्स टू कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो अगली प्रोसेस है वो होती है ऑडिट। ऑडिट एक जनरल सी प्रक्रिया है, एक्सरसाइज है, जो पार्लियामेंट में भी ऑडिट होता है। तो मींस जो पार्लियामेंट का एक्सपेंडिचर है, मींस उसका जो खर्चा है, वो जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल करता है, आके कैग जिसको हम बोलते हैं, ये मींस ये इंश्योर करता है कि जो भी मनी ग्रांट हुई थी गवर्नमेंट को,
वो सही तरीके से खर्च हुई नहीं है कि सही उसका उस मनी को कहीं गलत हेड के अंदर तो नहीं खर्च किया है, तो ये सब चेक करती है। सो ऑडिट भी एक टूल है कंट्रोल का। सो दोस्तों ये सब वीडियो के लिए इतना ही था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए वीडियो पर और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।